हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, और इसमें हमारा चैप्टर 8 चल रहा है एग्रीकल्चर। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्टोरेज एंड फार्म सब्सिडीज। ये दो टॉपिक आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टोरेज क्या होता है? स्टोरेज होता है कि जितने भी फूड ग्रेन्स हमने प्रोड्यूस करे हैं, वो फूड ग्रेन्स कहाँ पे जाएंगे? मंडी में जाएंगे, और मंडी से उसको FCI खरीदेगी या कोई स्टेट एजेंसी खरीदेगी, और वो इन फूड ग्रेन्स को खरीद के गोडाउन्स में स्टोर करेगी। तो 2019 तक जो FCI एंड स्टेट एजेंसीज दोनों की मिलाकर जो टोटल कैपेसिटी थी, टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी फूड ग्रेन्स की, वो थी 750 लाख मिलियन टन्स की कैपेसिटी थी हमारे पास इंडिया में, ठीक है, FCI और स्टेट एजेंसीज दोनों की मिला के। और इसमें से आउट ऑफ दिस 750 लाख मिलियन टन्स, इसमें से 402 लाख मिलियन टन जो कैपेसिटी थी वो थी FCI की, और 348 लाख मिलियन टन जो कैपेसिटी थी स्टोरेज की वो थी स्टेट एजेंसीज की। अब हुआ क्या, 2019 का ये डाटा है, 2019 की ये स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ पे दे रखी है। लेकिन 2019 में क्या हुआ, 2019 के एंड तक आते आते राइस एंड वीट इन दोनों का स्टॉक मिला के हो गया था 565 लाख मिलियन टन्स, ठीक है। अब देखो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी हमारे पास 750 की, अब हो कितना गया हमारे पास फूड ग्रेन्स का, फूड ग्रेन्स में सिर्फ राइस और वीट का, राइस और वीट कितने हो गए 565 लाख मिलियन टन्स। तो यहाँ पे आ गई स्टोरेज की स्कार्सिटी, हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज अब यहाँ पे कम हो गई, ठीक है। अब इंडिया का जो स्टोरेज सिस्टम है उसमें ऑलरेडी जो हमारे पास थे भी इंडिया में स्टोरेज के जो गोडाउन्स वगैरह थे उसमें ऑलरेडी बहुत सारी खामियां थी, ठीक है। खामियां क्या थी, अब देखो एक तो प्रॉपरली स्टोरेज हमारे पास थी नहीं, ठीक है, यहाँ पे स्टोरेज की वैसे ही स्कार्सिटी थी, 750 लाख मिलियन टन की स्टोरेज थी, और 2019 के एंड में राइस और वीट ये दोनों क्रॉप्स का स्टॉक मिला के हो गया 565 लाख मिलियन टन का। अब इसके अलावा देखो बाकी की क्रॉप्स भी तो है, पल्सेस हो गए, सीरियल क्रॉप्स हो गई, यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, उनको कहाँ पे स्टोर करना है भाई, उनको भी तो कहीं पे स्टोर करना है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आ रही है स्टोरेज की स्टोरेज की स्कैसिटी। अब जो प्रेजेंट हमारे पास इंडिया का स्टोरेज सिस्टम था उसमें क्या खामियां थी, वहां पे एक प्रॉपर कोई साइंटिफिक स्टोरेज नहीं था हमारे पास, प्रॉपर साइंटिफिक स्टोरेज की हमारे पास कमी थी, और जो हमारे पास स्टोरेज था अभी, जो हमारे पास वेयर हाउसेस थे जहाँ पे हम अनाज को स्टोर करते थे, फूड ग्रेन्स को स्टोर करते थे, वहाँ पे आधे जो फूड ग्रेन्स थे हमारे, आधा जो वीट एंड राइस था वो ऐसे ही सड़ गल जाता था, क्योंकि प्रॉपर वेयर हाउस जो हमारे थे वो मेनटेन किए ही नहीं हुए थे, वहाँ पर चूहे वगैरह जो थे वो अनाज खा जाते थे, तो आधा जो वीट एंड राइस होता था वो आधा ऐसे ही खराब हो जाता था। ऊपर से हमारी जो कोल्ड चेन थी, जो एसी वगैरह होते थे कोल्ड स्टोरेज में, वहाँ पे वो भी प्रॉपरली काम नहीं करते थे, जिसके चलते हुए जो पेरिशेबल आइटम्स होती थी लाइक फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो ये भी ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे ठीक नहीं रहते थे, ये भी जल्दी गल सड़ जाते थे। अब जो कोल्ड स्टोरेज हमारे पास कैपेसिटी थी फूड, सारी की सारी फूड आइटम्स की जो कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी थी वो थी हमारे पास 29 मिलियन टन। और हुआ क्या, 2012 की ये डाटा है, तो अब उस टाइम पे हुआ क्या, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ जो पोटैटो था, पोटैटो की प्रोडक्शन ही 35 मिलियन टन हो गई। टोटल स्टोरेज 29 मिलियन टन है, ठीक है, टोटल कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स सारे आ जाते हैं, लेकिन उस साल पोटैटो की ही प्रोडक्शन 35 मिलियन टन हो गई, तो बाकी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कहाँ जाएंगे? पोटैटो को स्टोर करने के लिए ही हमारे पास प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी नहीं थी, तो बाकी के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो खराब होएंगे ही होएंगे। तो 2012 तक हमारे पास जो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी थी उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ और सिर्फ अपने जितने भी हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की प्रोडक्शन होती थी उसमें से 10% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ही हम स्टोर कर सकते थे, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्टोर करने की कैपेसिटी थी 2012 तक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गैप आ रहा है, हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, अवेलेबिलिटी हमारे पास कम थी, स्टोरेज हमारे पास इतनी थी नहीं लेकिन रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा थी, तो अब इसके बीच का जो गैप था ना, इसको प्रॉपर फिल करने की ज़रूरत थी, इसको फिल करने के लिए हमें ज़रूरत थी साइंटिफिक स्टोरेज कैपेसिटी की, ठीक है। अब इसके लिए, अब देखो अगर स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है तो इसके लिए फिर कोई ऐसी हमें पॉलिसीज लाने की ज़रूरत थी जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी
हो। तो इसीलिए ये एडवाइज़ किया गया उस टाइम पे, ऐसी पॉलिसीज़ प्रमोट करी गई जिसमें प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया गया, सो दैट कि प्राइवेट प्लेयर्स भी आए और इसमें इन्वेस्ट करें। तो इसी के बेसिस पे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे, जैसे कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर ग्रांटी स्कीम लेकर आई जिसके अंडर गोडाउन्स बनाए गए थे और इन गोडाउन्स को इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर ट्रिपल पी मॉडल। ट्रिपल पी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर 22 स्टेट्स में इन मॉडल्स को इम्प्लीमेंट किया गया और इस मॉडल के अंडर बहुत सारे गोडाउन्स बनाए गए। स्टील साइलोज बनाए गए ट्रिपल पी मोड के अंडर ही, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर बहुत सारे स्टील साइलोज बनाए गए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया, सो दैट कि हमने जो अपने फूड ग्रेन्स स्टोर किए हुए हैं उनकी शेल्फ लाइफ को थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके। शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करना मतलब कि जो कि फूड ग्रेन्स है जो हमारे स्टोर में 2 महीने तक सही रहते हैं, तो वो कम से कम 2-2.5 महीने तक तो वहाँ पे सही रहे ही रहे। उनकी जो शेल्फ लाइफ है उनको थोड़ा इम्प्रूव किया गया और जो स्टोर्ड फूड ग्रेन्स की कैपेसिटी थी उसको भी बढ़ा के 100 लाख मिलियन टन कर दिया गया। ऑनलाइन डिपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया गया जिसको डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम भी बोलते हैं। तो इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था FCI ने। क्यों इम्प्लीमेंट किया था? सो दैट कि हमारी जो फंक्शनल एफिशिएंसी है वो थोड़ी इम्प्रूव हो सके और जो हमारी कॉस्ट है वो भी थोड़ी ऑप्टिमाइज हो सके। अब ये जो डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होता था? इस सिस्टम में प्रॉपर मैनेजमेंट से काम होता था। ऑनलाइन पूरा डाटा रखा जाता था जिससे हमें पता चलता था कि कौन से स्टेट में कितने फूड ग्रेन्स स्टोर है। तो प्रॉपर इससे प्रॉपर मैनेजमेंट से एक काम होता था थ्रू डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम। तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू हमें पता चल जाता था कि कौन से स्टेट में कितने फूड ग्रेन्स स्टोर है और कौन से स्टेट्स में फूड ग्रेन्स की कमी है। तो उस अकॉर्डिंग फिर FCI जो थी वो अपना काम करती थी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं फार्म सब्सिडीज की। फार्म सब्सिडी गवर्नमेंट बजट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज में की बात करें लाइक USA हो गया, तो USA में क्या होता है? USA में डायरेक्ट फार्म सब्सिडी दी जाती है, लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया में इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडी दी जाती है। डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है? जितना भी उनका टोटल बजटरी आउटले होता है उसका जो 40% खर्चा है वो किया जाता है एग्रीकल्चरल सब्सिडीज पे या फार्म सब्सिडीज पे किया जाता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है? इंडिया में GDP का टोटल 7.8% ही सब्सिडीज पे खर्च किया जाता है और वो भी इनडायरेक्ट मोड से, ठीक है। अब डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादातर क्या होता है? डायरेक्ट सब्सिडीज दी जाती है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया हो गया वहाँ पे इनडायरेक्ट सब्सिडीज दी जाती है। अब ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज होती क्या है इसको हम डिटेल में करते हैं। डायरेक्ट फार्म सब्सिडी में हम USA की एग्जांपल ले सकते हैं। डायरेक्ट फार्म सब्सिडी में क्या होता है कि जो कैश इंसेंटिव्स होते हैं वो डायरेक्टली फार्मर्स को दिए जाते हैं। डायरेक्टली फार्मर्स को पैसा दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फार्मर अपना फिर उस पैसे को खर्च करता है। और ये डायरेक्ट कैश इंसेंटिव्स दिए क्यों जाते हैं? सो दैट कि ग्लोबल मार्केट में उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादातर जो एनुअल बजट होता है उसका ज़्यादा अमाउंट एग्रीकल्चर पे खर्च किया जाता है, एग्रीकल्चर सब्सिडीज पे खर्च किया जाता है, फार्म सब्सिडीज पे खर्च किया जाता है और फिशरीज सब्सिडीज में खर्च किया जाता है। डायरेक्ट फार्म सब्सिडी से क्या होता है? डायरेक्ट फार्म सब्सिडी का फायदा ये है कि उससे क्या है, उससे फार्मर को जिस चीज़ में पैसा खर्च करना है, जिस सेक्टर में, एग्रीकल्चर में जिस सेक्टर में पैसा खर्च करना है उसमें वो पैसा खर्च करता है। सपोज किसी को सीड्स की ज़रूरत है तो वो उस सब्सिडी से जो पैसा मिला है उससे वो सीड्स खरीदेगा। अगर किसी को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है तो वो फर्टिलाइजर्स पे उस सब्सिडी को खर्च करेगा। अगर किसी को मशीनरी की ज़रूरत है तो वो उस सब्सिडी को मशीनरी पे ख़त्म करेगा। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे वहाँ के जो रूरल पुअर लोग हैं ना उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी अच्छा हो जाता है थ्रू डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र। अब इसके लिए क्या होता है? अब देखो जो सब्सिडी दी जाती है ना इसके लिए प्रॉपर जो बेनिफिशियरी है उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा ऐसा फार्मर है जिसको की सब्सिडी की ज़रूरत है और वो उस पैसे को फार्मिंग पे ही खर्च करेगा, एग्रीकल्चर पे ही खर्च करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके बाद उसके अकाउंट में फंड्स ट्रांसफ़र
कर दिए जाते हैं, और साथ ही साथ ये भी बाद में चेक किया जाता है कि कहीं वो उन पब्लिक फंड्स को मिसयूज़ तो नहीं कर रहा। ऐसे तो नहीं है ना कि सरकार से वो सब्सिडी के नाम पे पैसा ले रहा है और बाद में उसको मिसयूज़ कर रहा हो, तो ये भी वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग करी जाती है। पहले बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करते हैं, बाद में प्रॉपर चेक करते हैं कि क्या पब्लिक फंड्स को प्रॉपरली यूज़ किया जा रहा है, राइट। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ की। इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज़ में क्या होता है, इसमें जो फार्मर्स होते हैं उनको चीपर रेट पे क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाती है, फार्म लोन वेवर्स रिडक्शन, इरिगेशन में रिडक्शन करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रिड्यूस किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी मिलती है, सीड्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, इवन के एग्रीकल्चरल रिसर्च पे इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वायरमेंटल असिस्टेंस, फार्म ट्रेनिंग पे। अब इनडायरेक्ट में क्या होता है, इनडायरेक्ट सब्सिडीज़ में सपोज फार्मर ने फर्टिलाइजर्स लेने हैं, ठीक है, फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र भी अलग अलग तरह के होते हैं। सपोज़ कोई फार्मर है वो यूरिया लेने के लिए बाजार में गया, बाजार में यूरिया का रेट कितना है, 1200 रुपए, ठीक है, 1200 रुपए का यूरिया मिल रहा है, यूरिया का जो एक थैला होता है वो 1200 का मिल रहा है। अब उस किसान को ये जो यूरिया है ये कितने का मिलेगा, ये मिलेगा 700 रुपए का, ठीक है, कितना भी हो सकता है, 700, 800, 600, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। सपोज यूरिया का रेट कितना था, 1200 था, लेकिन उस फार्मर को यूरिया कितने का मिला, 700 का। अब ये जो बीच में 500 का गैप है ये क्या है, ये है सब्सिडी, और ये सब्सिडी देता कौन है, ये देती है सरकार। अब हमारे यहाँ पे जो सरकार सब्सिडी देती है ना, वो देती है सेलर को, बायर को नहीं दी जाती, सेलर को दी जाती है। तो यहाँ पे जो फार्मर है उसको यूरिया मिलेगा 700 का, बट एक्चुअल कॉस्ट यूरिया की कितनी है, 1200 है। तो ये जो बीच में 500 का गैप है, ये जो 500 रुपये है ये सरकार देगी सेलर को, ठीक है, तो ये क्या है, सब्सिडी। अब यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दी जा रही फार्मर को, इनडायरेक्टली फार्मर को यहाँ पे सब्सिडी दी जा रही है। तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है उनको थोड़ा सस्ते दामों पे किसानों को दिया जाता है, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज। मतलब कि इसकी जो कॉस्ट है वो कम करके सरकार को दी जाती है। डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट में ये जो 1200 रुपए का यूरिया है ये किसान को 1200 का ही मिलेगा, और इसके बदले में जो 500 रुपए है, 500 रुपए जो सरकार है वो डायरेक्टली अगर किसान को देगी तो इट मींस वो डायरेक्ट सब्सिडी दे रही है। लेकिन इंडिया में जो सब्सिडी है वो इनडायरेक्ट ही दी जाती है फर्टिलाइजर्स के केस में। अब जो WTO है, WTO की क्या करता है, WTO ने जो सब्सिडी की अमाउंट है ना उस पर एक सीलिंग लगा रखी है कि आप इतने से ज़्यादा सब्सिडी दे ही नहीं सकते, डायरेक्ट सब्सिडी के केस में भी और इनडायरेक्ट सब्सिडी के केस में भी। बट होता क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो WTO है वो थोड़ा ज़्यादा सीलिंग लिमिट लगा देता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वही है जो गरीब है उसको हर कोई मारना चाहता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा रूल स्ट्रिक्ट रखता है WTO, और डेवलप्ड कंट्रीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अब ये जो सीलिंग लिमिट है ये क्यों लगाता है WTO, ये इसलिए लगाता है सो दैट कि जो मार्केट फोर्सेस है वहाँ पे सब्सिडी की वजह से जो मार्केट है वो डिस्टॉर्ट ना हो, ऐसे ना हो कि मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इसीलिए एक अपर सीलिंग लगाई जाती है सब्सिडीज़ पे भी कि इससे ज़्यादा आप सब्सिडी नहीं दे सकते, चाहे वो डायरेक्ट सब्सिडी हो या फिर इनडायरेक्ट सब्सिडी हो। अब इसी को लेकर, अब सब्सिडी को लेकर एक पैनल बिठाया गया था जिसके हेड थे मोंटेक सिंह आहलूवालिया, जो कि उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन थे। तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, मोंटेक सिंह आहलूवालिया ने, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जो आप इनडायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हो ना, तो उसकी जगह पे आप डायरेक्ट सब्सिडी भी दे सकते हो। जैसे पावर मिनिस्ट्री को सरकार पैसा दे रही है, अब पावर मिनिस्ट्री को पैसा देने की बजाय सरकार डायरेक्ट फार्मर्स को भी तो पैसा दे सकती है ना स्मार्ट कार्ड के थ्रू, जो कि उनके किसी यूनिक आइडेंटिटी नंबर से लिंक्ड है। तो पावर मिनिस्ट्री को आप पैसा दे रहे हो, किसानों के इलेक्ट्रिसिटी बिल माफ़ कर रहे हो, तो उससे अच्छा है आप डायरेक्टली किसान को पैसा दे दो सो दैट कि किसान अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद भर सके। तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, राइट। अब इंडिया में हर साल टोटल 1,60,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाती है, टोटल 1,60,000 करोड़ रुपए हर साल ख़त्म किए जाते हैं सब्सिडी में, जो कि GDP का सिर्फ और सिर्फ 2% ही है जो कि सब्सिडी पे खर्च किया जाता है। और ये वाला जो खर्चा किया जाता है ये सारे का सारा इनडायरेक्टली खर्च किया जाता है। फर्टिलाइजर्स पे जो सब्सिडी दी जाती है वो दी जाती है टोटल सब्सिडी का 2/3, टोटल सब्सिडी का जो 2/3 है वो सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर पे ही दिया जाता है।
इसके अलावा फार्म सब्सिडी को लेकर कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज भी आए हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट सब्सिडी की अगर हम बात करें तो जो इनडायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है बिग फार्मर्स को। जो स्मॉल मीडियम या मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको सब्सिडी का इतना फ़ायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इंडिया में जो रिच फार्मर्स है वो ज़्यादा है और जो मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है वो कम है। मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 37% ही है। बाकी के क्या है? बाकी के रिच फार्मर्स है, बड़े फार्मर्स है जो कि इस सब्सिडी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अब ज़्यादा फर्टिलाइजर्स भी तो वही यूज़ करेंगे ना, तो सब्सिडी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा किनको हो गया? जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। और क्या होता है, बाकी जो इनडायरेक्ट सब्सिडी है ना, इससे कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट नहीं होती। इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं होती? क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है उसको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। अब उनको कोई अप्रिशिएट ही नहीं करेगा, कोई इंसेंटिव नहीं दिएगा, तो वो अपनी एफिशिएंसी भी क्यों बढ़ाएगा? तो जिसके चलते हुए इनडायरेक्ट जो सब्सिडी दी जाती है उसमें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आता प्रोडक्शन प्रोसेस में, राइट। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कैच सब्सिडी की, तो कैच सब्सिडी में क्या होता है, कैच सब्सिडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो थोड़ा फ्री अप हो जाता है। उससे क्या होता है, कैच सब्सिडी में सपोज अगर आप फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी दे रहे हो, किसान सबसे सॉरी हमारी जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा सब्सिडी किस चीज़ पे दे रही है? फर्टिलाइजर्स पे दे रही है। सपोज एक फार्मर है, वो क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो सब जो फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स है, वो तो यूज़ करेगा ही नहीं। अब वो पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहा तो उसको सब्सिडी का कोई फ़ायदा होएगा ही नहीं। ये वाला जो फार्मर है इसको सब्सिडी का कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा क्योंकि ये तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है। अब अगर यहीं पे कैच सब्सिडी इसको दी जाएगी, कैच सब्सिडी अगर फार्मर के पास पहुंचेगी, ठीक है, अगर आप 500 रुपए यूरिए में इसको दे रहे हो, उसकी बजाय अगर 500 रुपए आप सीधा इस फार्मर को ट्रांसफर करोगे, तो उससे क्या है, अब देखो इसने फर्टिलाइजर्स तो यूज़ करने नहीं, पेस्टिसाइड्स तो यूज़ करने नहीं है, तो उसकी बजाय ये जो सब्सिडी इस फार्मर को दी जा रही है, इस सब्सिडी से वो कोई और चीज़ भी खरीद सकता है, किसी और चीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकता है। लाइक एग्रीकल्चर के लिए मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैक्टर्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, तो ये फार्मर ट्रैक्टर खरीदने में भी इस सब्सिडी को यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा है कैच सब्सिडी का। अगर आप डायरेक्ट सब्सिडी दे रहे हो तो उससे क्या है, उससे जिस चीज़ में पैसा खर्च करने की किसान को ज़रूरत है, जो गुड्स खरीदने की ज़रूरत है, वो वाली गुड्स खरीद सकता है। लेकिन इसमें ना इंडिया में बहुत सारी कम्प्लेक्सिटी आ जाती है डायरेक्ट सब्सिडी देने में। कम्प्लेक्सिटी क्या आती है, अब देखो अगर फंड्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, जो कि इंडिया में बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब देखो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 135-140 करोड़। वहीं अगर आप डिवेलप्ड कंट्रीज़ की बात करो, यूएसए की भी बात कर लो, तो यूएसए की पॉपुलेशन कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 30-33 करोड़ पॉपुलेशन है। तो इंडिया के कंपैरेटिवली यूएस की पॉपुलेशन बहुत कम है, तो वहां पे बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई करना इजी है एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ही बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए फंड्स ट्रांसफर करना, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है। ब्राज़ील ने एक प्रोग्राम शुरू करा था जिसका नाम था ब्राज़ील बोल्सा फैमिली। तो ये वाला जो प्रोग्राम था ये सब्सिडी, डायरेक्ट सब्सिडी के लिए शुरू किया गया था और ये 2001 में शुरू किया था। तो इसका जो इनिशियल एम था वो था एजुकेशन पे, कि एजुकेशन पे जो बच्चे हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी, एजुकेशन पे लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन बाद में 2003 में इसको एक्सपैंड कर दिया, एजुकेशन के साथ साथ और सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड हो गई, लाइक फूड हो गया, फ्यूल हो गया। अब ब्राज़ील में टोटल 2.6 मिलियन फैमिलीज ऐसी है जिनको सब्सिडी दी जा रही है, जो कि सब्सिडी का बेनिफिट उठा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें फैमिली को डायरेक्टली कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी है उन्होंने। कंडीशंस क्या रखी है, एक तो बच्चों की जो स्कूल अटेंडेंस है वो पूरी होनी चाहिए, सेकेंडली उनका जो न्यूट्रिशनल लेवल है वो प्रॉपर चेकअप मॉनिटर किया जाता है न्यूट्रिशनल लेवल बच्चों का, और उसके बेसिस पे फिर उनको सब्सिडी दी जाती है। प्रीनेटल पोस्टनेटल टेस्ट किए जाते हैं और उसके बाद उनको सब्सिडी ट्रांसफ़र की जाती है। तो अब ये वाला जो प्रोग्राम है वो ब्राज़ील में काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, और सक्सेसफुल होने का कारण यही है कि उन्होंने प्रॉपर मेजर्स लिए हैं। प्रॉपर पहले वो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉपर चेक करते हैं कंडीशंस को, और उसके बाद ही जो कैश ट्रांसफर है वो
किया जाता है। इससे फायदा क्या हुआ ब्राजील को, इससे 2003 से लेकर 2009 के बीच में ब्राजील का जो पॉवर्टी लेवल है वो 15% पॉइंट कम हो गया। और इसमें जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग ब्राजील का टारगेट किया था कि 2000 से लेकर 2015 तक जो ब्राजील की पॉवर्टी है उसको 50% तक कम करना है थ्रू कैश ट्रांसफर। बट 2015 से पहले ही उनका ये जो गोल था वो फुलफिल हो गया था। 2005 तक ब्राजील का जो पॉवर्टी रेट था वो कम होके 50% ही रह गया था। 50% पॉवर्टी जो थी वो ब्राजील ने खत्म कर ली थी 2005 तक ही थ्रू दिस इनिशिएटिव। ठीक है, अब एंड पे क्वेश्चन सेम वही आता है कि क्या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर सही है या फिर इनडायरेक्ट सब्सिडी सही है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जो हम कर रहे हैं क्या ये परफेक्ट सॉल्यूशन है सब्सिडी देने का। अब देखो हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर सिस्टम में होते हैं, हर प्रोग्राम में होते हैं, तो सेम यहाँ पे भी है। अब देखो अगर आप इंडिया जैसे कंट्री में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर रहे हो तो उसके बहुत सारे नुकसान भी है। एक तो इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, यहाँ पे बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। दूसरा क्या है, इंडिया में करप्शन है, करप्शन भी है, और दूसरा इंडिया में जो लोग हैं ना वो गलत काम भी बहुत करते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर के नाम पे वो सब्सिडी ले और उसके बाद वही पैसे को वो अपने किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे या कोई ड्रिंकिंग में इन्वेस्ट कर दे, ड्रिंकिंग में पैसा ख़राब कर दे, इन्वेस्ट तो क्या ही होगा उसमें, उसमें पैसा ख़राब कर दे, या कोई गैम्बलिंग का शौक रखता है उसमें पैसा ख़राब कर दे। इसीलिए इंडिया जैसी कंट्री में डायरेक्ट कैश सब्सिडी देने से बेटर है कि आप इनडायरेक्ट सब्सिडी दे दो। लेकिन स्टिल इंडिया में डायरेक्ट सब्सिडी को भी प्रमोट किया जा रहा है, इंडिया में बहुत सारी स्कीम्स चलाई जा रही है डायरेक्ट सब्सिडी देने के लिए भी, लाइक एलपीजी। एलपीजी पे डायरेक्ट सब्सिडी दी जाती है, जो भी सिलेंडर आप खरीद कर लाते हो तो उस पर जो सब्सिडी होती है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाती है। सपोज एलपीजी का सिलेंडर है आप 1500 में खरीद कर लाए हो, उसमें अगर 500 की सब्सिडी है तो 500 रुपया बाद में आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, खैर अभी तो एलपीजी काफ़ी महंगी है, 1100 के आसपास है, 1100-1200 रेट है, सब्सिडी भी कम कर दी है, लेकिन पहले इस पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।